मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। भारत जहां पर संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है, सारी व्यवस्था और कानून सिर्फ एक ही किताब पर टिके हैं, जिसे कहते हैं संविधान। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब देश संविधान से नहीं चलेगा तब क्या होगा? इसका समाधान भी संविधान में ही है। आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, सुना तो बहुत होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसका असल मतलब क्या है? आज हम बात करेंगे आपातकाल के रूपों की, उनके आधारों की और उससे जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर डालेंगे। आपातकाल को भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में वर्णित किया गया है। इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत में तीन तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य में आपात, वित्तीय आपात। अगर आपातकाल लगाया जाता है तो उसे लगाने के आधार भी जरूरी होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब मन किया तब मुंह उठाकर आपातकाल लगा दिया। तीन तरह के आपातकाल लगाने के भी तीन तरह के आधार होते हैं। पहला, आंतरिक शांति को खतरा। दूसरा, बाहरी आक्रमण का खतरा। तीसरा, अर्थव्यवस्था पर संकट। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में लगाया जाता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा हो। आपातकाल में सरकार के पास तो असीमित अधिकार हो जाते हैं, लेकिन आम नागरिक होने के नाते आपके सारे अधिकार छिन जाते हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। 1962 से 68 में नेहरू ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, जिसे बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति होने की वजह से लगाया गया। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और भारत के युद्ध होने के चलते आपातकाल लगाया, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में लगा आपातकाल हटा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी ने दोबारा 1975 में आंतरिक विद्रोह के नाम पर आपातकाल लगा दिया, जिसे 1977 में हटाया गया। इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के बाद इसके आधारों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल को आसानी से नहीं लगाया जा सके। इसकी अवधि को एक साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया। साथ ही इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के साथ साथ दोनों सदनों से विशेष मत से पास होना भी जरूरी कर दिया गया। अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं घोषित किया जा सकता है। दूसरा, यानी कि राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, जिसे लगाने का प्रावधान 356 में किया गया है। इसमें राजनीतिक संकट के मद्देनजर राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य में आपात स्थिति में घोषणा कर सकते हैं। जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था विफल हो रही हो या राज्य केंद्र की कार्यपालिका के निर्देशों का अनुपालन ना कर रहा हो, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सिर्फ न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथों में ले लेता है। इसकी अवधि कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए हो सकती है। इसे 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों में कब कब लगा राष्ट्रपति शासन। मणिपुर 10 बार, पंजाब 9 बार, उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार 8 बार, कर्नाटक 6 बार, पौंडीचेरी 6 बार, ओडिशा 6 बार, केरल 5 बार, गुजरात 5 बार, गोवा 5 बार, मध्य प्रदेश 4 बार, राजस्थान 4 बार, तमिलनाडु 4 बार, पश्चिम बंगाल 4 बार, नागालैंड 4 बार, असम 4 बार, हरियाणा 3 बार, झारखंड 3 बार, त्रिपुरा 3 बार, मिजोरम 3 बार, आंध्र प्रदेश 3 बार, अरुणाचल प्रदेश 2 बार, हिमाचल प्रदेश 2 बार, मेघालय 2 बार, सिक्किम 2 बार, उत्तराखंड 2 बार, दिल्ली 1 बार, जम्मू कश्मीर 7 बार और महाराष्ट्र 3 बार। महाराष्ट्र में 12 नवंबर 2019 को लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी पार्टी के बहुमत न साबित करने की वजह से लगाया गया है। अगर और बारीकी से समझें तो संवैधानिक व्यवस्था विफल होने की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। महाराष्ट्र की पिछली कहानी से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन अगर अब क्या होगा की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा चुनाव फिर से होंगे।
अगर सभी राजनीतिक दल अपनी बैठकों में बहुमत पर सहमति बना लेते हैं तो गठबंधन के नेता सभी विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर राज्यपाल से मिलेंगे, जिससे राज्यपाल को बहुमत का भरोसा होगा और राज्यपाल राष्ट्रपति शासन हटाकर शपथ ग्रहण के लिए सबसे बड़े दल या गठबंधन को न्योता देगा। तीसरा और आखिरी वित्तीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब राष्ट्रपति को पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसकी वजह से भारत के वित्तीय स्थायित्व का या साख पर खतरा है। सरल शब्दों में समझें तो जब सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है तब वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। इस आपात में आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर भी देश का अधिकार होने के साथ साथ राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी कर्मचारी के वेतन को भी कम कर सकता है। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। गौरतलब है कि संविधान में वर्णित तीन आपातकालों में से दो को तो अंजाम दिया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, जिसका ना लगना ही हमारे और आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान आम नागरिकों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि उन पर कोई निरंकुश शासक राज कर रहा हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।